गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने चैप्टर थ्री की बात करी थी। चैप्टर थ्री पूरा हो चुका था, मैंने आपका दो तीन बार रिवीजन भी करवा दिया था, शॉर्ट नोट भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर फोर षड् विरेचन शत आश्रितीय अध्याय की। ये भी हमारा बहसत चतुष के अंदर आता है। इस चैप्टर को पूरा होने के बाद चैप्टर फाइव में जाएंगे। जो चैप्टर फाइव है वो बहसत चतुष में ना आकर के स्वास्थ्य चतुष्क में आएगा। जैसा मैंने बताया था एक चतुष्क में चार चैप्टर आते हैं, तो चौथा चैप्टर जो है ये भी बहसत चतुष्क में आएगा। तो इसके बाद हमारा अगला चतुष्क चालू हो जाएगा। तो जैसा इसका नाम है बहसत चतुष्क, जैसा इसका नाम है बहसत चतुष्क, तो बहसत का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मेडिसिन से होता है, औषधि से होता है। बहसत का मतलब क्या होता है, भैसज, यानी जो रोग के भय को दूर करे। तो बहसत का मतलब क्या होता है, जो रोग के भय को नष्ट करे, यानी रोग हो ही ना, दैट इज द मैसेज, रोग के भय को नष्ट करने वाला, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, भैसज बोलते हैं। तो भैसज में आपके चार चैप्टर थे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। अब देखिए पहला हमारा हो चुका है, दूसरा हमारा हो चुका है, तीसरा हमारा हो चुका है, फोर्थ की आज से हमको बात करनी है। आपने देखा पहला वाला चैप्टर समझने का भी था, यानी कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग का भी था, इसके अलावा याद करने का तो देखिए रहता ही है। जिस दिन हमने बायो ली थी उसी दिन हमने सोच लिया था कि अब हमको याद करने का रखता क्वेश्चन का नंबर लगाना है। तो याद करने का तो देखिए कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें याद करने का कुछ ना हो, हर कोई चैप्टर में याद करने का होगा। फर्क इतना है रेशियो इन दोनों में चलेगा, हो सकता है ये दोनों वन वन की रेशियो में बराबर हो, यानी जितना समझने का उतना याद करने का हो सकता है कोई चैप्टर समझने का ज्यादा हो रटने का कम हो, और हो सकता है कोई चैप्टर रटने का ज्यादा हो समझने का कम हो, और कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसमें समझने का ना के बराबर होगा रटने का ज्यादा होगा। तो उन्हीं चैप्टर में से हमने टू और थ्री बात कर रहे थे। टू चैप्टर में जो रटने का था वो बहुत ज्यादा था, इसी तरीके से इसमें थ्री में भी समझने का थोड़ा कम था, इसी तरीके से फोर है, फोर में समझने का कम है और रटने का बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको रटने का दूं, फालतू मैटर आप ना रटें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमने बहसत चतुष की बात करी, चार चैप्टर आते हैं, वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर में पहला चैप्टर समझने का ज्यादा था, क्या कह सकते हैं समझने और रटने का बराबर था, जबकि दूसरा तीसरा चौथा ये चैप्टर रटने के ज्यादा है। जो फोर्थ चैप्टर है इसमें महाकसाय पढ़ेंगे, फिर महाकसाय के अंदर कसाय होते हैं, फिर कौन कौन से कसाय होते हैं, कौन कौन से महाकसाय के नाम है, कौन कौन से वर्ग है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, फटाफट स्क्रीन लगाता हूँ। जो समझाने का पार्ट है जैसे मैंने बताया इसमें समझाने का काम है, लेकिन कुछ तो है ये समझाने का, जो समझाने का है तो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे समझा देते हैं जितना समझाने का है, फिर तो अपन पीडीएफ खोल लेंगे। तो देखिए देखिए जैसा चैप्टर का नाम है, सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, षड् विरेचन शत आश्रितीय अध्याय। काफी अजीब सा नाम है आप लोगों के लिए, लेकिन वह चैप्टर का नाम है तो नाम तो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर मेजरली बात किसकी आई है, इसके अंदर बात आई है महाकसाय की। महाकसाय, अब देखिए इसके अंदर टोटल 50 महाकसाय की बात आई है, क्या होते हैं क्या नहीं होता भी बात कर लेंगे, लेकिन टोटल कितने की बात आई है, 50 कितने होते हैं महाकसाय। अब 50 महाकसाय की बात आई है, अब 50 महाकसाय की बात आई है, अब देखिए आपको ध्यान रखना 10 महाकसाय हैं, 10 महाकसाय हैं, तो एक के अंदर 50 है, 10 के अंदर कितने होंगे 500, यानी क्या कहते हैं महाकसाय कितने हैं आपके ध्यान रखने हैं, महाकसाय, महाकसाय कितने होते हैं आपके 50, ठीक है। और महाकसाय के अंदर आता है कसाय, अभी मैं दोबारा आपको बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, महाकसाय के अंदर क्या आता है, कसाय आता है, ठीक है। तो जो आपके महाकसाय हैं ये कितने होते हैं, 50 होते हैं, और महाकसाय के अंदर 10-10 कसाय आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला जीवनी है महाकसाय, पहला महाकसाय यही आएगा, जीवनीय महाकसाय। तो जीवनीय महाकसाय के अंदर 10 कसाय आएंगे, जीवनीय महाकसाय के अंदर आपके 10 कसाय आएंगे, और जीवनी की तरह ही ऐसे 50 कसाय हैं, 50 महाकसाय हैं, इस तरीके से 50 महाकसाय हैं, और एक देखिए एक महाकसाय के अंदर 10 महाकसाय हैं, तो 50 के अंदर कितने होंगे, 500। सीधी मैथमेटिक्स से मैं बोल सकता हूं, जैसे कि एक
महाकसाय के अंदर 10 कसाएं हैं, तो 50 महाकसाय के अंदर कितने कसाएं होंगे? फिफ्टी इंटू 10 कसाए, सिंपल मैथमेटिक्स, तो कितना होगा ये? 500 कसाए। तो कोई आपसे पूछ लेता है कि चैप्टर 4 में षड्वरीचर शतासिद्धि में कितने कसाए आए हैं, तो आपको बोलना है कि सर इसमें 500 कसाए आए हैं, ठीक है। और कितने महाकसाय आए हैं? महाकसाय है 50, ठीक है। तो ध्यान रखना है महाकसाय 50 है, कसाय 500 है। तो पहला समझने की बात ये थी, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक महाकसाय के अंदर 10 कसाय होते हैं और 50 महाकसाय के अंदर 500 महाकसाय हो जाएंगे, 500 कसाय हो जाएंगे। यानी महाकसाय बड़ा चीज है, महाकसाय बड़ा है। एक होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ मतलब बड़ा जो होता है। तो कह सकते हैं एक कुंभ, एक महाकुंभ के अंदर 10 कुंभ आ जाते हैं, ठीक है। एक महाकुंभ के अंदर क्या कहते हैं, एक तरीके के क्या कहते हैं, 10 कुंभ आ जाते हैं। या कह सकते हैं एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक बोरी ले ली, उसके अंदर 10 किलो चीनी है। तो एक बोरी है उसके अंदर 10 किलो चीनी है, तो उस बोरी के अंदर 1-1 किलो के 10 चीनी के पाउच हैं। यानी एक बोरी है 10 किलो की और उसके अंदर 1-1 किलो के 10 चीनी के पाउच हैं। यानी जो बोरी है वो क्या है, एक ग्रॉस, एक बिग कंपोजिशन है, जबकि उसके अंदर 1-1 पैकेट है, ये स्मॉल कंपोजिशन है, स्मॉल स्ट्रक्चर है। तब कह सकते हो जिस तरीके से एक 10 किलो की बोरी में 1-1 किलो के 10 पैकेट है, किसके, एक चीनी के पैकेट के, उसी तरीके से 50, या कह सकते हो एक महाकसाय के अंदर 10 महाकसाय आ जाते हैं, ठीक है। तो 50 महाकसाय के अंदर कितने आ जाएंगे? 500 कसाय। यानी आपके चैप्टर 4 में 50 महाकसाय और 500 कसाय के बारे में बताया गया है। यानी हमको बेसिकली ग्रुप से जो 50 कसाय है, हमको 1-1 करके इन कसाय के नाम पढ़ने हैं और इनके अंदर 10-10 जो नाम है वो याद करने हैं। अब देखिए इसी आप अंदाजा लगा लीजिए कितना ने का होगा। सबसे पहले तो आपको 50 नाम ये याद करने हैं, ये तो याद होने ही है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। आपको ये 50 नाम याद करने हैं, मुझे याद नहीं वाले। और जो 500 कसाय है, ये 500 को सारे याद नहीं करने, ये मैं याद कराऊंगा। आप और एक ध्यान रखेंगे, जो एक प्लांट है, जैसे फिर मैंने जीवनी है और फिर मैंने क्या कहते हैं, जीवनी का बोल दिया भृंगड़ी है, ठीक है। तो जीवनी का मैंने जैसे भृंगड़ी ने बोलिया, तो यानी जो प्लांट जीवनी में, जरूरी नहीं कि वो भृंगड़िया में नहीं आएगा, ठीक है। यानी एक प्लांट मोर देन वन गढ़ में रिपीट हो सकता है। यानी जो प्लांट क्या कहते हैं, अगर जीवनी में आ गया है तो वो किसी और क्या कहते हैं महाकसाय में आ सकता है, ठीक है। जीवनी है महाकसाय है, भ्रंगड़ी है महाकसाय है, इनके अंदर जो प्लांट्स आएंगे, जो औषधियां आएंगी, वो आपकी कसाय होंगी। और बताता हूँ मैं लिखकर थोड़ा सी बात, और जैसे मतलब जितने भी आपके गढ़ हैं, मैं एक इमेज इंसर्ट कर देता हूँ आपके एग्जाम्पल के लिए। मैं नोट्स अभी दिखाऊंगा तब आपको इमेज दिखा दूंगा, आज मैं इमेज का फोटो अलग से लेना भूल गया हूँ। तो आप एक मिनट रुकिए, मैं एक काम करता हूँ, इमेज का फोटो इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, चलिए देखते हैं। मैं एक नया पीडीएफ को बताने के लिए देखिए, आपको साफ दिख रहा होगा बिल्कुल, इसके बाद थोड़ी सी मैं आपको बात करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 10 वर्ग दिख रहे हैं, 10 वर्ग। तो देखिए वर्ग अलग चीज है, मैं बता दे रहा हूँ, ये वर्ग है, ये वाले वर्ग अलग चीज है। और वर्ग के अलावा वर्ग के अंदर आते हैं महाकसाय, ये वर्ग है। वर्ग कितने हैं? 10। आपको दिख रहा होगा वर्ग 10 है। अब एक वर्ग के अंदर जरूरी नहीं क्या कहते हैं कि हर वर्ग के अंदर 10 महाकसाय होंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल ये आपको दिख रहा होगा, टोटल 50 हैं। यानी आप कहेंगे कहते हैं कि एक वर्ग के अंदर सिर्फ 5 होने चाहिए, बराबर है, लेकिन किसी के अंदर 5 है, किसी के अंदर 3 है, किसी के अंदर 7 है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और टोटल 50 है। यानी महाकसाय को टोटल कितने? 50। नीचे सब बात लिख रही है, क्या कहते हैं, कितने महाकसाय है? 50। कितने कसाय है? 500। अब देखिए 500 कसाय है, यानी 500 प्लांट्स है। कसाय को आप प्लांट समझ लीजिए, औषधि समझ लीजिए, जितने आपके प्लांट्स हैं। टोटल इसमें कितने कसाय हैं? 500। लेकिन प्लांट्स रिपीट हो रहे हैं, जिस तरीके से जेनेटिक मटेरियल होता था, क्या कहते हैं कि जो एक जेनेटिक मटेरियल है वो मोर देन वन क्या कहते हैं कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता था। आपने 12th में पढ़ा होगा जेनेटिक, जो पढ़ा था उसी तरह एक बार के अंदर वो मोर में भी आता है।
ध्यान रखना है आपने। और एक कसाई के अंदर, एक महाकसाई के अंदर 10 कसाई हैं, तो ध्यान रखना है 50 महाकसाई के अंदर 500 कसाई हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की, तो 10 वर्ग होते हैं। ये वर्ग के नाम पता होना चाहिए, जीवनी आदि, बल्ले आदि वर्ग, तृप्तिग्न आदि वर्ग, स्तन्य जनन आदि वर्ग, स्नेहोपग आदि वर्ग, छर्दी निग्रहण आदि वर्ग, पुरी संग्रह आदि वर्ग, कासरादि वर्ग, दाह प्रस्मरण आदि वर्ग, शौर्य स्थापन आदि वर्ग। अब देखिए जो वर्ग है जिससे स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कोल आदि चूर्ण, तो उसमें कोल होगा, हरिद्र आदि चूर्ण तो उसमें हरिद्रा होगा, उसी तरीके से जीवनी आदि वर्ग, तो पहला इसमें जीवनी है। आपको ये सारे नाम याद करने हैं, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ याद करने का तरीका। सबसे पहले तो उनकी नंबर, जीवनी के अंदर कितने आइटम है, 6, मैंने आपके सामने लिख दिया 6 है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा बल्ले आदि, बल्ले आदि में 4 है, 1 2 3 4। तृप्तिग्न में 6 है, 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से स्तन्य जनन में 4 है, स्नेहों में 7 है, नीचे 3 5 5 5। इस तरीके से याद कैसे करेंगे, तो एक नंबर बनना है 6464735555, यानी 6464735555। तो नंबर क्या है, 6464735555। तो इस नंबर को याद करोगे इससे पता चल जाएगा कि जीवनी के अंदर 6 है, बल्ले आदि के अंदर 4 है, तो ये सीक्वेंस आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सीक्वेंस आपको इम्पोर्टेंट है, जिससे कोई सीक्वेंस याद होना चाहिए के अंदर नाम याद करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं, तो करेंगे मेरे साथ, जीवनी है, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, जीवनी है, भ्रंगड़ी है, लेखनी है, भेदनी है, जब एक एक करके पढ़ेंगे तो इनका मतलब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल नाम याद करने हैं आपको, संधानी है, दीपनी है। अगला बल्ले आदि में है बल्ल, वर्ण, कंठ, हृदय, फिर तृप्तिग्न आदि में है तृप्तिग्न, अर्शोग्न, कुष्ठग्न, कंडुग्न, कृमिग्न, विषग्न, इसमें सारे अग्न वाले आएंगे। स्तन्य जनन में सारे क्या कहते हैं एक तरीके से लास्ट में अन्न वाले आएंगे, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। पर स्नेह आदि पग में देखिए याद कैसे करेंगे, अभी सिर्फ मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, याद करने के तरीके भी बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाएंगे बात को, याद अगर तरीके से याद करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। स्नेह, स्वेदोपग, बमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापन, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग, शिरोविरेचनोपग, नीचे छर्दी निग्रहण में छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, हिक्का निग्रहण। इसके बाद याद करेंगे पुरी संग्रहणीय, पुरीष व्रंजन, मूत्र व्रंजनीय, कासर, श्वासर, ज्वरहर, श्रवहर, ठीक है। आगे बात करेंगे दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंग मर्द प्रशमन, और लास्ट में शूल प्रशमन। शौर्य स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन, वय स्थापन। देखिए कैसे कैसे याद करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए शुरू के 3 तक को रखने पड़ेंगे, बस तरीका क्या है, जैसे जीवनी आदि है तो उसमें सारे लास्ट में ये ही आएगा, जीव निया, ब्रंगणिया, लेख निया, वेद निया, संदान निया, दीप निया, जीवनी मतलब जीवन देने वाले, ब्रंगणी मतलब बल देने वाले, लेखनीय स्क्रैपिंग, कोई मोटा ज्यादा है, किसके अंदर मेद का डिपोजिशन हो गया है तो उसको स्क्रैप करने वाले लेखनीय होते हैं, भेदनीय है कहीं कोई चीज जम गई है भेदन करने वाले, संधानीय जोड़ने वाले, कहीं मसल से ब्रेक हो गई है, कोई चीज टूट गई है शरीर के अंदर, स्नायु कंडरा किसी का ब्रेक डाउन हो गया, इसको जोड़ने वाले, संधान करना मतलब जोड़ना, दीपनीय अग्नि का मोह, इसको दीपन करना। फिर क्या कहते हैं बल मतलब बल देने वाले, बन मतलब त्वचा को आपकी, सर आपका वॉइस बहुत कट रहा है, कहते एक मिनट वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर, अभी आ रहा है, तो क्लियर नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। अभी ठीक है सर, कितनी देर से कट रहा था सर, अभी 1 मिनट पहले जब मैंने बोला जब बीच, ठीक ठीक बढ़िया, अगर आपने तुरंत बोल दिया, चलिए तो मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं आपको बता रहा था कि क्या, सबसे पहले तो आपको ये वर्ग याद करने हैं, वर्ग के अंदर महाकसाई आ रहे हैं, नंबर कैसे याद करेंगे 6464735555। अब जो पहला जीवनी आदि है तो आपको क्रम याद करना है, जीवनी आदि, बल्ले आदि, तृप्तिग्न आदि, स्तन्य जनन, स्नेहोपग आदि, छर्दी निग्रहण, पुरी संग्रहण, कासर, दाह प्रश्न, शौर्य स्थापन। अब जो जीवनी आदि है, जीवनी आदि के अंदर 6 हैं, क्योंकि हम याद करके चुके हैं 64 64 73 55 55, तो ये आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। ट्रिक बस इतनी सी है इसमें समझने की कि लास्ट में ये आ रहा है। बल्ले आदि में आपको बता रहा था बल मतलब बल देने वाले, वर्ण मतलब आपकी स्किन के लिए अच्छा, अच्छे
कंठ आपके गले के लिए अच्छे, हृदय आपके हृदय के लिए अच्छे, तृप्तिग्न तृप्ति देने वाले, अर्शोग्न किसी को अर्श हो गया उसको हरने वाले, दूर करने वाले, कुष्ठग्न कुष्ठ को दूर करने वाले, कंडुग्न कंडू को दूर, खुजली को दूर करने वाले, कृमियों को दूर करने वाले, विषग्न विष को खत्म करने वाले, विष का नाश करने वाले। अब स्तन्य जनन, स्तन्य जनन मतलब जो कहते हैं लैक्टेटिंग वुमेन होती है, लैक्टेटिंग मदर होती है, जब उनका नया नया बेबी होता है, बच्चा होता होता, कुछ कुछ में दिक्कत आती है कि उनका निकलता, तो उसका पड़ता है उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, क्या कहते हैं, कुछ ऐसे द्रव्य देने पड़ते हैं जो उसकी मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा ले, जिससे बच्चे को पूरा पोषण मिल सके। लाइक शतावरी, शतावरी क्या होता है, स्तन्य जनन होता है, जो फीमेल की ब्रेस्ट में मिल्क होता है उसका सीक्रेशन बढ़ा देता है। तो स्तन्य जनन मतलब जो ब्रेस्ट का मिल्क है उसका सीक्रेशन बढ़ाने वाले, स्तन्य शोधन उसको प्योर करने वाले, सफाई करने वाले, शुक्र जनन शुक्र का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले, शुक्र शोधन शुक्र में जो भी दोष है उनका विनाश करने वाले, स्नेहोपक स्नेहन करने वाले, स्वेदोपक स्वेदन करने वाले, वमनोपक वमन कराने वाले, विरेचनोपक विरेचन कराने वाले, आस्थापन कराने वाले, अनुवासन कराने वाले और शिरोविरेचन कराने वाले। इनका नाम देखिए कितना सिंपल है, इनको याद करने का तरीका यहाँ से देखते हैं, स्तन्य जनन से। अब देखिए स्तन्य शोधन, इसी के पैर शुक्र लगा दो, शुक्र जनन शुक्र शोधन, तो इस तरीके से चार नाम याद हो जाएंगे, स्तन्य जनन स्तन्य शोधन, पर स्तन्य जनन की जगह शुक्र जनन कर दो और स्तन्य शोधन की जगह शुक्र शोधन कर दो। अब जो लास्ट वाला है, क्या कहते हैं सेवंथ वाला, इसमें आप देख रहे होंगे सात नाम है, सबसे ज्यादा नाम इसी में है। तो याद कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पंचकर्मा मैंने बताया था, पंचकर्मा सबसे पहले क्या कराते हैं स्नेहन, तो सबसे पहले स्नेहपक का नाम लिख दो, फिर क्या कराते हो स्वेदन, स्वेदन के बाद वमन, फिर विरेचन, फिर आस्थापन, फिर अनुवासन वस्ती और लास्ट में शुरू विरेचन। यहाँ पहले दो तो इसमें पूर्व कर्म है और पांच इसमें पंचकर्म है, टोटल सात होते हैं, पांच इसमें प्रदान कर्म, यानी पूर्व पांच इसमें पंचकर्मा प्रदान कर्म और दो इसमें पूर्व कर्म। तो इस तरीके से सात नाम आपको ये याद हो जाएंगे, स्नेहन स्वेदन इस तरीके से याद कर लेंगे, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शुरू विरेचन, लास्ट में पग लगा दोगे, स्वेदो बमनोग ब्रेचनो पग, कुछ नहीं पंचकर्म और पूर्व कर्म के नाम पता करने हैं, लास्ट में ओ पग लगा देना है। छर्दी निग्रहण में, छर्दी किस बोलते हैं आपको पता, उल्टी जा रही है उसको देखने के लिए, टी सी तृष्णा टी का एच, एक मोबाइल की कंपनी आती थी एच टी सी, तक क्या याद करना है एच टी सी, एस से का टी से तृष्णा सी से छर्दी, एच टी सी याद कर लोगे, ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये एस टी सी से याद हो जाएगा। अब आती है पुरीष, पुरीष संग्रहणीय पुरीष व्यंजनीय, तो पुरीष संग्रहणी की जगह क्या कर दो मूत्र संग्रहणीय, पुरीष व्यंजनीय की जगह कर दो मूत्र व्यंजनीय, मूत्र व्यंजनीय एक्स्ट्रा है। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पीजी में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से चार में से कौन सा महाकषाय नहीं बताया गया, मूत्र व्यंजनीय मूत्र व्यंजनीय कहते हैं पुरीष संग्रहणीय या पुरीष व्यंजनीय, तो ध्यान रखना है पुरीष व्यंजनीय नहीं बताया, पुरीष व्यंजनीय नहीं बताया। देखिए इसमें शब्द आया है व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है रंजन मतलब कलर करने वाला, जैसे क्या होता है कभी कभी किसी को डिसऑर्डर हो गया तो जो हमारे स्टूल्स का कलर होता है जनरली कैसा होता है आपने देखा होगा, हल्का सा ग्रेइश हल्का सा ब्राउनिश येलो डार्क रेडिश कलर का कुछ हो सकता है, लेकिन अगर किसी को डिसऑर्डर हो जाता है बाइल बाइल पिगमेंट ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका कैसा हो जाता है पेलर हो जाता है। काफी क्या कहते हैं एक शब्द आएगा तिल पिष्ट निवम, यानी तिल की तरह काम एकदम सफेद हो जाता है, काफी ब्लैक अगर किसी डेंगू हो जाए डेंगू जन में जिसके स्टूल्स करो ब्लैक कलर को अपन मेल करते हैं, यानी इसके जो कितने पुरी है उसका कलर, एक मिनट वॉइस दोबारा से चली गई क्या, नेटवर्क तो पूरे हैं पता नहीं वॉइस आज क्यों, देख एक मिनट चलिए अपन बात करेंगे पुरीष वाली की, ठीक है जो पुरीष वाला था इसको मैं आपको दोबारा बताऊंगा। तो देखिए मैंने आपको बता रहा था छर्दी वाला, छर्दी के लिए ना पुरीसी यानी छर्दी वाला हो गया, उसके ऊपर स्नेहन वाले मैंने बताया था पूर्व कर्म और प्रदान कर्म दोनों को मिला देना है, और उससे ऊपर स्तन्य वाला था वो भी हो गया था। अब बात कर रहे थे पुरीष संग्रहणीय की, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि कैसे याद करोगे पुरीष संग्रहणीय पुत्र पुरीष व्यंजनीय, इसके साथ इसके पहले में पुरीष संग्रहणीय के साथ में क्या कर दोगे मूत्र संग्रहणीय पुरीष मूत्र व्यंजनीय आया है। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कौन सा महाकषाय नहीं
क्या कहते हैं ऑप्शन आ जाता है मूत्र विरेचन, मूत्र व्रंजनीय, मूत्र संग्रहणीय, पुरीष विरेचनीय। तो ध्यान रखना है पुरीष विरेचनीय नहीं आया है, ठीक है, पुरीष विरेचनीय नहीं आया है, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, क्या कहते हैं पुरीष संग्रहणीय आया है, पुरीष व्रंजनीय आया है, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरेचनीय, मूत्र व्रंजनीय आया है, लेकिन पुरीष विरेचनीय नहीं आया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कासर, कासर में क्या आया है, कास है, श्वास है, शोथ है, ज्वर है और श्रम है। कास, श्वास, शोथ, ज्वर और श्रम, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या आया, कास आया है, श्वास आया है, शोथ आया है, ज्वर है और श्रम है, ठीक है। यानी ये वाला हो गया, नीचे वाला को याद करना पड़ेगा। फिर दाह शीत, देखिए दाह यानी जलन, गर्मी की वजह से होती है। शीत मतलब ठंडक, उधर तो मतलब क्या कहते हैं कहीं पेन वगैरह हो रहा है एब्डोमेन में। अंग मर्द, कोई भी कहीं भी जनरलाइज्ड बॉडी पेन है। शूल प्रशमन, एक तरीके से देखिए अंग मर्द प्रशमन, ये भी डिटेल में जब बताऊंगा तो डिफरेंस दोनों बताएंगे। फिलहाल क्या कहते हैं आपको इतना इनका नाम याद करने, आज का काम सिर्फ आपको इतना रहेगा कि इनके नाम याद करने, ये टेबल आपको याद करनी है कुल मिला के। और लास्ट में शौर्य स्थापन, में शौर्य स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वया स्थापन। स्टार्टिंग जीवनी से करी हमने, जीवन देने से, और लास्ट में एंडिंग करी वया, वया मतलब बुढ़ापे को रोकने वाले ड्रग से। तक याद करनी है जीवनी से लेके वयस्थापन तक, एक बार में सारे नाम बोल रहा हूँ आपको, उसी तरीके से याद करने है। जीवनी है, प्रंगणीय, लेखनीय, भेदनीय, संदानीय, दीपनीय, पहली लाइन, दूसरी लाइन में बल्य, वर्ण, कंठ, हृदय, फिर तृप्तिग्न हो गया, अर्शुंग हो गया, पुष्टंग हो गया, कंडुग्न हो गया, कृमिग्न हो गया, विष्टंग। यहाँ पर ट्रिपल के आया है, ट्रिपल के, ट्रिपल के यानी कह सकते हो ट्रिपल के, ठीक है। फिर इसमें जनन शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, फिर स्नेह पग आदि में सात आए हैं, दो तो आपके कहते हैं पूर्व कर्म में स्नेह और स्वेदन, और पांच आपके प्रधान कर्म जिसमें वमन, विरेचन, आस्था पर अनुवासन और शिरोविरेचन आया है। फिर आपका कहते हैं छर्दी निग्रहण में एसटीसी में आपको बताया था हिक्का, तृष्णा, छर्दी। फिर पुरीष था, पुरीष में एक नहीं आया था, पुरीष विरेचनीय, पुरीष विरेचनीय नहीं आया था, ध्यान रखोगे। फिर कास वाला था, कास में कास था, श्वास था, शोथ था, ज्वर था, श्रम था। फिर दाह प्रश्न में दाह था, शीत था, उदर था, अंगमर्द था, शूल प्रश्न था, और शौत में भी पांच थे, शौत, वेदना, संज्ञा, प्रजा और वय। तो यहाँ तक शाल्ट की बात थी। एक मिनट आप मुझे ये बता दीजिए, यहाँ तक कोशिश छूटी तो नहीं किसी की, आप में से कोशिश छूटी किसी की? चलिए फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। चलिए अब देखिए थोड़ी सी बात और रह गई कंसेप्ट की, तो पहले कंसेप्ट वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन चैप्टर के नाम की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो मैंने आपको कसाई बता दी, कसाई के बारे में कि इसमें क्या कहते हैं 500 कसाएं हैं और 50 महाकसाएं हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने यवागु के बारे में पढ़ा था, जो यवागु थे उसका प्रयोग कैसे कर रहे थे, अपन इंटरनली कर रहे थे, ठीक है। यानी सेकंड चैप्टर जो था आपका, लिख देता हूँ, जो सेकंड चैप्टर था इसमें हमने यवागु पढ़े थे, और यवागु का प्रयोग कैसे कर रहे थे अपन इंटरनली, इंटरनली इसका प्रयोग कर रहे थे, यानी अपन कैसे कह रहे थे अंत परिमार्जन। चैप्टर थ्री, जो आपका चैप्टर थ्री था आरग्व द्वितीय अध्याय, इसमें हमने क्या पढ़े थे, लेप और चूर्ण पढ़े थे। लेप और चूर्ण, इसका प्रयोग हम किस कर रहे थे, एक्सटर्नली। चैप्टर फोर, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली, इसमें कसाई पढ़ेंगे, कसाई का प्रयोग कैसे करते हैं, खासियत है इसकी, मैं दूसरे पेज से लिख रहा हूँ इसलिए, कि इसका प्रयोग आप इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जब इसको एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से कर सकते हो, तो इसके लिए नया नाम आता है, डेट इज उभय परिमार्जन। उभय परिमार्जन,
तक ध्यान रखना है कि चैप्टर फोर में उभय परिमार्जन के लिए ड्रग्स आए हैं जिनका प्रयोग अंदर भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताए थे विरेचन के बारे में, तो इसमें 600 विरेचनों का वर्णन है और डिटेल में इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 600 विरेचनों का इसमें बात आई है। अब 600 विरेचन, अब देखिए विरेचन शब्द का मतलब सिर्फ विरेचन ही नहीं होता, विरेचन शब्द का एक बेसिक मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है दोषों का बाहर निकालना। यानी एक विरेचन शब्द ऐसा है जिसके अंदर वमन और विरेचन दोनों आ जाते हैं। यानी देखिए समझ आता हूँ इसको थोड़ा। वमन का मतलब क्या होता है? ऊपर से, यानी पूर्व मार्ग से दोषों को निकालना, इस मार्ग से दोषों को वमन से। और विरेचन का मतलब क्या होता है? दोषों को निकालना। अब देखिए एक ये भी है, एक विरेचन ये भी है, आपकी किताबों में शास्त्र में ये दिया गया है, कोई मन से नहीं बता रहा, दोषों को निकालना। तो विरेचन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? दोषों को निकालना। अगर ऊपर से निकाल लेते वमन बोलते हैं, नीचे से निकालते तो भी उसको विरेचन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि विरेचन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीचे से निकालना नहीं होता, विरेचन एक जनरलाइज्ड टर्म है। यहाँ पर चरक सूत्र 4 में विरेचन को ऐसा शब्द लिया गया है जिसका मतलब ये होता है कि आप दोषों को कहीं से भी निकाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, विरेचन का ही दूसरा नाम क्या होता है? रेचन। विरेचन को अपन क्या बोल देते हैं? रेचन। रेचन बोल लो, विरेचन बोल लो, मेन नाम तो रेचन है। इसका मतलब क्या होता है? दोषों को निकालने वाला, जो दोषों को बाहर निकाल दे, दैट इज रेचन। रेचन को क्या बोल देते हैं? विरेचन। रेचन से क्या बना है? विरेचन। क्या कहते हैं? विरेचन क्या कर रहा है यहाँ पर? नीचे से निकाल रहा है। वमन क्या कर रहा है? ऊपर से निकाल रहा है। अब जो आपके विरेचन द्रव्य है, ठीक है, विरेचन टोटल यानी कितने होता है? 600 विरेचन द्रव्य है। अब 600 में से कितने देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी खोज खोज हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 600 विरेचन द्रव्य है, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि 600 विरेचन द्रव्य के इनके नाम याद करने हैं, या इसमें से कितने वमन है, कितने विरेचन वाले हैं। तो मैं एक लिख देता हूं नीचे, एक तरफ वमन लिख देता हूं, एक तरफ विरेचन लिख देता हूं। अब इनकी योग बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो योग कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए जो विरेचन होता है, विरेचन विरेचन को हमने दो भागों में डिवाइड करा, एक हो गया वमन और एक हो गया विरेचन। अब देखिए आगे, अब जो वमन है, वमन के अंदर काफी सारे योग आते हैं। सबसे पहले तो पहला वर्ग आता है मदन फल। मैंने आपको बताया था मदन फल वमन द्रव्य में श्रेष्ठ होता है। मदन फल, मदन फल से अपन कितने योग तैयार करते हैं, तो आपको काउंटिंग याद करनी है, 133। कितनी? 133। किससे तैयार करते हैं? मदन फल से। नंबर टू आपका आता है जीमूतक, जीमूत इससे अपन तैयार करते हैं 39। नंबर तीसरा आता है जीमूत के बाद इक्ष्वाकु, इससे अपन तैयार करते हैं डेट इज 45। अगला आता है इक्ष्वाकु के बाद आता है धामार्गव। कितने तैयार करते हैं? 60। अगला है 5th इज द कुटच से आप तैयार करते हैं 18। सिक्स्थ है आपका कृतवेदन, कड़वी तोरी। इससे अपन कितने तैयार करते हैं? 60, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखिए कुल मिला के ये आएगा आपका 355, ठीक है। तो इनकी संख्या याद करनी है, टोटल वमन की योग कितने हो गए? 355 हो गए। मदन फल से 133 बना रहे हैं, जीमूत से हम 39 बना रहे हैं,
इक्ष्वाकु से 45 बना रहे हैं, धामार्ग से 60 बना रहे हैं, कुटर से 18 और क्योंतवेदन से अपन 60 बना रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम योग तैयार कर रहे हैं। दोबारा समझेंगे, सबसे पहले विरेचन थे, विरेचन के अंदर हमने बात करी कि विरेचनों से हम विरेचनों के 600 योग बताए गए हैं। अब 600 योग कैसे बताए गए हैं, तो उन्होंने बोला जो विरेचन होता है इसी का दूसरा नाम विरेचन है, जिसका मतलब होता है 200 को बाहर निकालना। अब जो विरेचन या रेचन है इसको दो भागों में बांटोगे, क्यों? क्योंकि 200 कुछ लोग या कुछ दवाइयां ऊपर से निकालती हैं, कुछ दवाइयां नीचे से निकालती हैं। जो ऊपर से निकालती इनको क्या बोलते हैं, वमन योग बोलते हैं, जो नीचे से निकालते इनको विरेचन योग बोलते हैं। अब जो वमन योग है उसमें ग्रुप्स हैं काफी सारे। पहला मदन फल का ग्रुप है, यानी मदन फल इसमें मेन औषधि रहती है, फिर इसके हम योग बना देते हैं अलग अलग औषधि मिला के। उसी तरीके से जीमूत मेन औषधि है, इक्ष्वाकु धामार्गम के अपने अपने ग्रुप है, और इन्हीं एक औषधि से हम काफी सारे योग, काफी सारे कॉम्बिनेशन बना देते हैं, काफी सारी प्रिपरेशन बना देते हैं। हम मदन फल से सबसे ज्यादा प्रिपरेशन बनती है 133, जीमू से बनती है 39, इक्ष्वाकु से 45, धामार्ग से 60, कुटस से 18, कृतवेदन से 60। ये नाम आपको याद करने हैं और इनके नंबर याद करने हैं, टोटल नंबर 353 याद करना है। अब विरेचन की बात कर लेते हैं, विरेचन में क्या क्या आता है। तो विरेचन में पहला क्या आता है मैं लिखता हूँ, पहला इसमें आता है श्यामा। श्यामा, श्यामा का मतलब क्या होता है, काली निषोध। काली निषोध, और काली निषोध के साथ साथ इसमें आप सफेद निषोध भी साथ दी गई है, यानी त्रिव्रत। इन दोनों को मिलाकर बताया ये दोनों कितने बनाते हैं, आपको नंबर याद करना है इनका 100। नंबर टू पे आपके पास आता है श्यामा और त्रिव्रत के बाद आता है, देखिए इसमें क्या कहते हैं, 100+, कुछ जगह 100+10, कुछ किताब में 100+10 अलग से दिया गया है। तो आप जानिए क्या कहते हैं, अगर वैसे तो 100 में काम हो जाना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं आप ध्यान करेंगे, श्यामा के लिए 100 और त्रिव्रत के लिए 10, ठीक है, श्यामा के लिए 100 और त्रिव्रत के लिए 10, ठीक है। तो काउंटिंग ध्यान करेंगे, श्यामा के लिए 100 और त्रिव्रत के लिए 10। कैसे याद कर सकते हो, श्या से क्या है श्याम, और श्या से क्या होता है शत, शत का मतलब क्या होता है सेंचुरी, 100। तो श्याम से क्या हो जाएगा, श्यामा से 100 हो जाएगा, सा से श्यामा, सा से शत, शत का मतलब क्या हो गया सेंचुरी 100, त्रिव्रत से 10। श्यामा के लिए 100 और त्रिव्रत के लिए 10, रखा एक ही में गया है, रखा एक ही में गया है। आगे बात करेंगे नंबर टू पे चतुरंगुल। चतुरंगुल के लिए क्या बोला गया था चरक सूत्र 25 में, कल मैंने आपको बताया था, जल्दी बताइए क्या बोला गया था चरक चतुरंगुल के लिए, नहीं चरक सूत्र 25 में इसके लिए क्या टर्म आया था, किसके लिए प्रयोग करते हैं अपन चतुरंगुल का, बताइए मुझे फटाफट। मृदु विरेचना नाम, आपको ध्यान रखना है चतुरंगुल के लिए क्या आया है, मृदु विरेचना नाम। स्नुई के लिए क्या आया है बताइए, स्नुई के लिए तीक्ष्ण विरेचन, तीक्ष्ण विरेचना नाम, ठीक है। और सुख विरेचना नाम किसके लिए आया है, सुख विरेचना नाम त्रिव्रत, त्रिव्रत के लिए सुख विरेचना नाम आया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अमलतास की, अमलतास में कितने योग होते हैं आपको ध्यान करना है, अमलतास में संख्या 12। तीसरा अमलतास के बाद कौन सा आया है, लोद्र, लोद्र 16 है। फोर्थ क्या है आपका, महावृक्ष, इसकी संख्या 20 है। फिर है फिफ्थ आपका कौन सा है, लास्ट इज द, क्या कहते हैं इसमें 6 दिए गए हैं, जैसे इधर 6 है इधर भी 6 है। फिफ्थ इज द सप्तला, सप्तला के साथ और दिया गया एक और, दैट इज शंखिनी। जैसे ऊपर दिया गया था ना काली निषोध और सफेद निषोध एक साथ, उचित तरीके से सप्तला और शंखिनी एक साथ दिया गया है, और इन दोनों की संख्या एक साथ दी गई है, दैट इज 39। सिक्स इज द लास्ट, दंती और दरवंती को एक साथ दिया गया है, बढ़िया, हमारे लिए याद करने में भी आसानी रहेगी, दंती द्रवंती एक साथ। और इनकी संख्या कितनी दी गई है, तो आप नाम याद करेंगे 48, ठीक है। और इनका जब आप टोटल करते हो, इनका जब आप टोटल करते हो तो संख्या होती है, देखिए 600 में से 355 माइनस कर दो 245। तो विरेचन द्रव्य कितने हैं आपको ध्यान करना है 245, वमन योग कितने थे 355, टोटल विरेचनों की कितनी संख्या है 600, टोटल कितनी संख्या है 600। अब बात करेंगे विरेचन द्रव्यों के आश्रय, यानी ये विरेचन द्रव्य हैं इनके आश्रय क्या है, या किस में ये रहते हैं, या किससे अपन कहते हैं विरेचन द्रव्यों की प्राप्ति करेंगे। तो लिख देते हैं आश्रय के बारे में, तो आश्रय कितने हैं आपके 6, तो 6 कौन कौन से, तो आप नाम याद करोगे, एम टी पी,
मैंने ऐसे याद किया था एमटीपी एफपी प्लस छीर, एमटीपी एफपी प्लस छीर, एम से क्या हो जाएगा डिकोड करते हैं, एम से क्या हो जाएगा मूल, टी से क्या हो जाएगा टॉक, इससे क्या हो जाएगा पी से फल, इससे क्या हो जाएगा एफ से फूल, इस पी से क्या हो जाएगा पत्र, और छीर तो अपना छीर है। तो ये छह विरेचन द्रव्यों के आश्रय होते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले विरेचन द्रव्यों के आश्रय क्या होते हैं तो बता देंगे आप लोग, बताइए बता देंगे आप लोग ये छह के नाम। सर पी से क्या बोला आपने, एम टी पी, पी से देखिए दो पी हैं, एक है फूल एक सॉरी एफ का मतलब हो गया फूल, एक है पी से पत्र और एक है फल। अगर आप लिख कर देखोगे तो एफ फूल, फूलों पर ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, इसलिए एफ से फूल हो गया, इससे है पत्र, पत्र मतलब पत्ती, और एक एफ से है फल फ्रूट्स। यानी दोबारा सुनेंगे, एम से हो गया मूल जो उसकी जड़ है जो रूट है, टी से क्या है त्वक जो उसकी छाल होती है बार्क होती है, एफ से क्या है पहले एफ से पहला पी है, पी से क्या है फ्रूट से आ जाओ आप कह सकते हैं फल, और दूसरे एफ से क्या है फूल, और दूसरे पी से क्या है पत्र, पत्र मतलब जो उसकी पत्ती है, छीर का मतलब होता है दूर। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे आपने तोड़ के देखा होगा, उसकी पत्तियों को तोड़ दो या उनकी स्टेम को तोड़ दो, उसमें से कहते हैं व्हाइट कलर का एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसको अपन बोलते हैं दूध निकलना है, जैसे अर्क में से दूध निकलता है, मदार में से दूध निकलता है। इससे पहले कहते हैं मैंने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था क्या कहते हैं कि जब अपन कहते हैं एक लेप बनाया था, कौन सा लेप था जिसमें क्या कहते हैं मदार का दूध प्रयोग कर रहे थे, बताइए कौन सा लेप था वो, कल ही पढ़ाया था मैंने कल रात में, कौन सा क्या कहते हैं लेप था जिसमें अपन मदार का दूध यूज करते हैं, बहुत पढ़ रहे हैं यकीन, मनशिलादी लेप। आपको ध्यान करना है मनशिलादी में चार चीज बताई थी, कौन कौन सी, मनशिला, हड़ताल, सरसों का तेल, और क्या बताया था लास्ट में, मदार का दूध। मैं हूँ सर मदार का, बहुत अच्छा, मैं हूँ सर मदार का। देखिए अगर आप इतना पढ़ते रहेंगे ज्यादा लोड आप पर भी नहीं आएगा और आप अपने बैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप डिफरेंस देखिएगा क्या कहते हैं, जब अपने बैच वालों से पूछेंगे उनको ये बात नहीं बताऊंगी, ये बात वाली आपको छोटी लग रही होंगी लेकिन आप धीरे धीरे इतना याद करते जाएंगे, बहुत टेक्निक से पढ़ाना पड़ता है, सोच समझ के एक दिन में ओवरडोज ना हो जाए, इसलिए कहते हैं मैं अभी आपको, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करा इसलिए तो मैं अभी पीडीएफ पर नहीं आया, नहीं तो पीडीएफ से पढ़ाना बहुत आसान है कि मैं किताब खोलूंगा सीधी सीधे टिक मार के आगे निकल जाऊंगा, लेकिन लिखकर इसलिए बता रहा हूं कि जिससे मैं खुद लिखूं, आप खुद उसको देखो, खुद उसको पूछो, खुद इसको उतारो अपने हाथों से बाद में और उसको याद करो। तो ध्यान रखना है एम टी पी एफ पी और छीर, तो एम से मूल मतलब उसकी जड़ रूट, टी से त्वक यानी छाल, पी से फल फ्रूट्स, एफ से क्या होगा फूल, और पी से दूसरे से पत्र, पी दो बार आया है, एम टी पी एफ पी। एम टी पी कैसे जान लिखोगे, एम टी पी का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इस तरीके से आप एम टी को ध्यान कर लोगे, एम टी पी के साथ क्या आया है एफ पी, ठीक है एम टी पी एफ पी। तो ये कहते हैं आपको ये सुनने में कैसा लग रहा है, एफ पी, सब बच्चों ने एफ पी फिश पी है, तो आप कैसे याद करोगे, एम टी पी एफ पी, एफ पी पीने की वजह से क्या हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन हो गया प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो एम टी पी एफ पी प्लस छीर, ठीक है। तो आपको ये नाम याद करनी है, कोई क्वेश्चन आ जाता है पीजी में या कहीं भी, दो नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम में है, क्या कहते हैं सॉरी बोर्ड के एग्जाम में क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप क्या कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है या फिर क्या कहते हैं आपका एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आप बता देंगे एम टी पी एफ पी प्लस छीर, इस तरीके से याद करेंगे और ये छह के छह नाम उसको सुना देंगे, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अपन, चलिए अगर आगे बात करते हैं, इसके अलावा आगे सीधे हमारा कंसेप्ट से थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब देखिए सर पांच चीज आती है, पंचविध कषाय कल्पना आती है, ठीक है, पंचविध कषाय कल्पना, चलिए देखते हैं पंचविध कषाय कल्पना को। थक तो नहीं गए आप लोग, बताइए थक तो नहीं गए, अरे बोलो यार थक गए क्या, पंचविध कषाय कल्पना, चलिए थोड़ी देर और, कोई थक गया क्या, चलिए इसे पहली बात करते हैं अपन, पांच चीज आएंगी, स्वरस कल्क, तीसरा होता है श्रत जिसको अपन क्वात भी बोलते हैं, फोर्थ वन इज द शीत,
और फिफ्थ वन इज द फॉन्ट। तो नाम याद करने हैं स्वरस कल्क क्वात शीत फॉन्ट, द्वारा बोलेंगे स्वरस कल्क क्वात शीत फॉन्ट। अब देखिए जब हम बनाते हैं तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। देखिए पहला है स्वरस, स्वरस कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, कोई पत्ती लिया आपने, पत्ती को क्या करा आपने कहते हैं उसको निचोड़ लिया, जब निचोड़ लेंगे तो उसमें से जो रस निकलता है स्वरस का मतलब क्या है, खुद का जो रस होता है, यानी जब दो द्रव्य है या जो औषधि है उसको आपने यंत्र से निचोड़ी, नींबू निचोड़ते थे ना, नींबू के अंदर से जो रस निकलता है दैट इज स्वरस। तो स्वरस का मतलब क्या होता है, सिंपल द्रव्य को लेना है और उसको निचोड़ देना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। नंबर टू कल्क, कल्क का मतलब होता है चटनी पेस्ट। हमने क्या करा, कोई कहते हैं पत्ती ली, पत्ती में थोड़ा सा पानी, चटनी पीसते ना सिलवट्टे पे, जो सिलवट्टा होता है उसमें धनिया लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं और क्या कहते हैं लोड़ी से उसको पीस देते हैं, डेट इज द कल्क। तो कल्क का मतलब क्या होता है, पेस्ट या चटनी। जबकि स्वरस का मतलब क्या बताया मैंने, एक तरीके से निचोड़ कर जो निकलता है, निचोड़ कर। क्वाथ कैसे बनता है, सब लोगों ने चाय पी होगी तो चाय में करते हैं पानी लेते हैं और चाय पत्ती वगैरह डाल के खदकाते हैं, डेट इज द क्वाथ। तो क्वाथ में क्या करते हैं, मतलब अपन अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं। शीत, शीत में करते हैं अपन एक गुनगुना पानी लेते हैं, जब गुनगुना पानी लेते हैं अपन औषधि डाल देते हैं और रात भर क्या कहते हैं उसको ढक करके, या कह सकते हैं सॉरी उसको क्या करते हैं बेसिकली ढक करके या एक जगह पात्र में रख करके रात भर के लिए छोड़ देते हैं, तो वो शीत बन जाता है। शीत में ठंडा पानी नहीं लेना है, शीत में बच्चे क्या बोलते हैं, शीत में ठंडा पानी, फांट में गर्म पानी नहीं, शीत में जो पानी लेंगे वो गुनगुना लेंगे और रात भर के लिए रखकर छोड़ देंगे, डेट इज द शीत। तो कोई नाम याद करना है, शीत का मतलब क्या होता है बेसिकली, आपको क्या करना है, क्या कहते हैं जो शीतल जल है या कह सकते हो नॉर्मल वाटर, ठीक है नॉर्मल वाटर। किसी का माइक ओपन है, अपना माइक क्लोज कर लीजिए। नॉर्मल वाटर, जो नॉर्मल वाटर है इसमें अपन क्या करेंगे, बेसिकली जो द्रव्य होगा उसको क्या कहते हैं कूट करके क्या कहते हैं भर देंगे और रात भर के लिए रख देंगे, डेट इज द शीत। और जो फांट होगा इसमें अपन लेंगे हॉट वाटर। शीत में एक ध्यान रखना है कि आपको उसमें ठंडा पानी नहीं लेना, तो लिख देता हूँ कोल्ड वाटर नहीं लेना, ठीक है। और फांट में करना है गर्म पानी लेना है, हॉट वाटर लेना है, और क्या करना है उसको इसमें रात भर का नहीं रखना, इसमें रात भर नहीं रखना। आपने बर्तन लिया, इसमें गर्म पानी था आपके, गर्म पानी, और इसमें आपने क्या करा द्रव्य डाल दिया, आपने इसमें द्रव्य डाल दिया, और द्रव्य डाल के फिर करेंगे अपने हाथ से इसको मसल देंगे, अपने हाथ से इस द्रव्य को मसल देंगे, जिससे क्या होगा इसका जो सार भाग होगा, इसका जो एक तरीका पार्ट होगा वो उस पानी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी डिटेल में अपन किताब से एक बार और देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ये सब चीजें हमको किताब से तो एक बार देखनी है। अब देखिए एक बार आपके दिमाग में आ रही होगी, देखिए स्वरस है, मैं बता देता हूँ, अभी आपके दिमाग में नहीं आई होगी, जो स्वरस है, स्वरस में क्या हुआ, स्वरस में पानी की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे निचोड़ कर निकाल लेना है। कल्क में आपने बोला सर पानी की आवश्यकता है, थोड़ा सा चटनी वगैरह पीसते तो पानी की आवश्यकता थोड़ी सी हमको पड़ती है, जैसे कल्क। अब जब क्वात है, क्वात में ना चाय बनानी है, तो चाय जब हम बनाते हैं तो पानी नाप कर लेते हैं, जैसे हमको फॉर एग्जांपल दो गिलास चाय बनानी है तो हमने बोल दिया कि आधा गिलास पानी डाल दो, एक गिलास दूध डाल दो, और गाढ़ी बनानी है, नहीं तो अगर चाय नॉर्मल बनानी है जैसे बाजार वाले बनाते हैं एक गिलास पानी और कहते हैं आधा गिलास दूध, दूध कम पानी ज्यादा, उसी तरह या इतने द्रव्य है तो इतना जल डालना है, तो कुछ ना कुछ तो जल का मेजरमेंट रहता होगा, तब वो ध्यान रखना है कि 1/16 इसमें मेजरमेंट रहता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 kg कोई क्या कहते हैं द्रव्य लिया, मैंने फॉर एग्जांपल 1 kg आपने क्या कहते हैं पिपली ले लिया, कोई भी ऐसा द्रव्य ले लिया, तो कुछ 16 टाइम्स का बाट लेना है, शीत में 6 टाइम लेना है और फांट में 4 टाइम्स। तो फासे फांट, फासे फांट, और फासे 4, फासे 4 कहते हैं, सासे शीत और सासे 6, इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो सासे शीत, सासे 6, फासे फांट, फासे 4, तो इस तरीके से वाटर का प्रमाण आपको पता होना चाहिए, बाकी डिटेल में मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको क्या कहते हैं ये बातें और बताऊंगा। फिलहाल आज का मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकूं, जो लगभग ऑलमोस्ट पूरा हो चुका, एक टॉपिक पर बचा है, ये इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फिर अपने कहते हैं बाद में किताब पढ़ेंगे, और किताब पढ़ने के बाद सीधे अपन कसाई पर मुंह करेंगे, जो 50 महाकसाई हैं, इन महाकसाई को अपन को एक एक करके उठाना है और फेंकते जाना है। एक बात और इसमें बता दूं कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर आइटम गुरु होते जाते हैं, यानी सूरज सबसे ज्यादा गुरु होता है, सूरज सबसे ज्यादा गुरु होता है, पछने में भी देर लगाता है और सबसे ज्यादा भारी होता है, यानी आप कह सकते हो क्या कहते हैं कि इन पंचविध कसाई कल्पनाओं में यथापूर्व
अधिक बलवान होते हैं, पूर्व मतलब पहले, यानी सूरज सबसे ज्यादा बलवान है, उससे कम बलवान कम ताकतवर कल्क है, उससे कम बलवान क्वाथ है, और सबसे कमजोर फांट है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका एक और है, दैट इज आप इसको याद कर लेंगे, मैं नीचे थोड़ा कर लेता हूँ, पहले ये वाली बात पूरी कर देता हूँ। ये वाली बात आपको इतनी सी बात याद करनी है, क्या कहते हैं कि इन पंचमित के साथ कल्पना में यथा पूर्व अधिक बलवान या अधिक गुरु होते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग आपको ध्यान करना है कि हमेशा रोगी के बल पर, व्याधि के बल पर डिपेंड करता है। अगर कोई व्याधि ज्यादा बलवान है तो आप स्वरस का प्रयोग करेंगे, कम बलवान है तो फांट का प्रयोग करेंगे। यानी इनका प्रयोग डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति को रोग हुआ है, पेशेंट कैसा है, पेशेंट की प्रकृति कैसी है, रोग कैसा है, रोग कहीं ज्यादा ताकतवर तो नहीं, ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, डिपेंड करता है रोगी का बल कैसा है, रोग बल कैसा है, दोनों के बल पर डिपेंड करता है, पेशेंट पर भी और क्या कहते हैं जो रोग हुआ है उस पर भी। इसके अलावा जो बात मैं बता रहा हूँ वो नीचे लिख देता हूँ, एक आप याद करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूं उधर फाल्गु, फाल लघु, तो फा से क्या हो गया फांट, तो फांट कैसा होता है, सबसे ज्यादा लघु होता है। इस तरीके से भी आप ध्यान कर सकते हो, फाल्गु तो फा से फांट, लघु से लघु, यानी सबसे ज्यादा लघु कौन सा होता है, फांट होता है। एक टॉपिक और बच रहा है छोटा सा, उसको और बता देता हूँ, हमारा 20 खत्म होंगे फिर। अब है पंचवित कषाय कल्पना, या पंचवित कषाय कल्पना तो हो गई, बचती है पंच कषाय योनि। पंच कषाय योनिया, इसमें पांच योनिया आएंगी, कषाय की पांच योनिया होती हैं। कसाई कितनी योनियां है, पांच। पहली मधुर कसाय, दूसरी अम्ल कसाय, दूसरी अम्ल कसाय, तीसरी लवण कसाय, सॉरी लवण नहीं होती, लिख देता हूं काट दूंगा लास्ट में जिससे आपको याद रहे। फोर्थ कटु कसाय, कसाय कसाय नाम अजीन कसाय कसाय लिखेंगे, मैंने इसको काट दिया। टोटल कितनी होती है आपको ध्यान करना है, टोटल होते हैं टोटल फाइव। लवर कसाय नहीं होता, आंसर आपको दूर कराना है, लवर कसाय क्यों नहीं होता, यह आपका आंसर रहेगा जो आज अपन शाम की क्लास में लेंगे। पहला क्वेश्चन ये मेरा आपसे होगा कि लवर कसाय क्यों नहीं होता, जबकि मधुर कसाय होता है, अम्ल कसाय होता है, तिक्त कसाय होता है, कटु कसाय होता है, लेकिन लवर कसाय नहीं होता क्यों। ठीक है, चलिए आइए चैट सेक्शन। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को, ये सारी हमने बेसिक्स की बात कर ली, जितना समझने का था। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी समझने का नहीं है, जो थोड़ा बहुत बचा वो किताब जब मैं पढ़ाऊंगा पीडीएफ से तब मैं आपको बता दूंगा। पीडीएफ तैयार था लेकिन पता ही नहीं पड़ा कब सारा समय हमारा बेसिक्स को समझते समझते ही निकल गया, कब हम क्या कहते हैं बेसिक्स में इतने खो गए कि हमारा एक घंटा बेसिक्स में निकल गया। ठीक है, तो फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आपको बेसिक समझ में आया आज का, ये पूरा समझने का था देखिए, और पूरा मैंने समझाने की कोशिश करी है, जो याद करने का था मैंने अभी बता दी, इससे आप शाम तक थोड़ा पढ़कर आ सके और आपकी क्लास में थोड़ा आप क्लियर होकर ना आए, पढ़कर आए, खाली दिमाग ना जाए, ऐसे उठकर ना आ जाए, थोड़ा पढ़कर आए। अब 11 बज रहे हैं, खाना पीने खाकर रेस्ट भी कर लेंगे, तब भी 9 बजे तक या शाम तक आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे आप ये बताइए क्या आज का क्लियर हुआ आपका बेसिक्स, यस और नो? सर ये जो चैप्टर नंबर 2 और 3 और 4 में यबागु और चिन्न और ये महाकसाय इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा इतने कि हमेशा ही आता है। देखिए महाकसाय तो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो यबागु है, यबागु तो आपको याद करने में दिक्कत आपको हो रही होगी चून याद करने में, लेकिन जब आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे अभी कुछ आप लोग ही आंसर कर रहे थे, मैंने अभी आपसे पूछ लिया, रैंडम पूछा था कि मदार का दूध किस में प्रयोग होता है, आप लोग तुरंत बोले सर मंसलादी लेप में, ये आप कैसे पता पड़ा,
मैंने आपको कल दो बार रिविजन कराया था, अगर आप इसी तरीके से दो तीन बार आप खुद से पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपकी टिप्स पर हो जाएंगी। तो ये भी आपको कठिन लगा कितना याद करने का, कितना बोरिंग है चरक, चरक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप देख रहे होंगे चरक के अंदर हम भैसज भी समझ रहे हैं, चरक के अंदर शास्त्र की भी बातें आ रही है, चरक के अंदर द्रव्य गुण की बात आ रही है, चरक के अंदर रोग ज्ञान की बातें आ रही है, चरक के अंदर मॉडर्न की बातें आ रही है। चरक ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट कुछ ना कुछ थोड़ी 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 मोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें आती हैं। तो इन चैप्टर को थोड़ा थोड़ा अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो पढ़ लेंगे। ये चैप्टर एक और बच रहा है जिसमें रटने का ज्यादा है, शाम से चैप्टर स्टार्ट हुआ रटने का, पूरा रटने का। सिंपल बोल दूंगा आपको लगेगा सर क्यों बोल रहे रटने का, लेकिन कोई भी देखिए समझने कुछ है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताया शास्त्र कसाई में भूमि अमल की आती है, अब इसमें क्या है बस समझाना, आती है तो आती है, नाम याद करना पड़ेगा कि शास्त्र कसाई में इलायची आती है, भूमि अमल की आती है, जीवन की आता है, चंडा आता है, अमल वेतस आता है, पुष्कर मूल आता है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ मैं ये बता सकता हूँ कौन सा मार्क सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, लेकिन आपको नाम तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन किसी का? सर एक जो फास्ट भैसज चतुष्कम है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है क्या? देखिए क्वेश्चन लॉन्ग भी आता है शॉर्ट भी आता है, दोनों तरीके से। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आप बोल रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है अगर आपसे अभी पूछ ले 15 नंबर में कि पंचविध कसाई कल्पना का वर्णन करो, तो को एक श्लोक भी लिखना। इसमें क्या कहते हैं 6 श्लोक आपको मैं दूंगा याद करने के लिए, आज 6 श्लोक आपको आज याद करने के लिए दूंगा, तो 6 श्लोक हो जाएंगे सीधे सीधे। अब 15 नंबर में अगर आप 6 श्लोक लिख आए तो अगर आपको एक एक नंबर के हिसाब से या डेढ़ डेढ़ नंबर के हिसाब से मिला तो 9 नंबर तो सीधे श्लोक के हो गए, डेढ़ नंबर का एक श्लोक माना गया तो 6 श्लोक के कितने कितने नंबर हो गए 9 नंबर, बाकी का 6 नंबर का आपने मैटर लिख दिया। तो 15 नंबर का क्वेश्चन एक सीधा सीधा आपके पंचविध कसाई कल्पना से बन जाता है। सॉल्व क्वेश्चन की बात करें सॉल्व क्वेश्चन निरे बन जाएंगे, कोई सिर्फ सौरभ पूछ ले, कोई सिर्फ कल्प पूछ ले, यानी इसका क्वेश्चन जरूरी नहीं चेक नहीं आए, इसका क्वेश्चन भैसज कल्पना में भी आता है, आपको आता ही आता है, वहाँ पंचविध कसाई कल्पना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में आप देखते होंगे इतने मूत्र गुण पूछ ले, दूत गुण पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे कहते हैं आयुर्वेद का कहते हैं प्रयोजन पूछ ले, परिभाषा पूछ ले, आयु की परिभाषा पूछ ले, उसमें सारे पर्याय के बारे में लिखना पड़ेगा, घटक के बारे में लिखना पड़ेगा, त्रिसूत्र पूछ ले तो उसमें हेतु लिंग और सब तीनों के बारे में बताना पड़ेगा, इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। कुछ और पूछना है किसी को? चलिए फिर मुझे आप ये बता दीजिए कि आज की क्लास इतनी रखनी है कि और पढ़ाऊं, बताइए इतनी तो फिर एक काम करते हैं, एक क्लास बना